हेलो एवरीवन इस लेक्चर में हम लोग मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिशिबल सिस्टम जो गेट 2018 में आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग जो मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिशिबल सिस्टम का थ्योरी पोर्शन है उसको आप लोग जरूर देखिएगा और उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथ ही जो इस टाइप के क्वेश्चन जो गेट नाइन्टीन नाइन्टी 2020 में आए हुए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ इट इज डिसाइडेड टू एक्सट्रैक्ट ए फ्रॉम अ फीड कंटेनिंग 20 मोल परसेंट ए एंड 80 मोल परसेंट बी इन टू आइडियल क्रॉस करेंट स्टेजेस एज सोन बिलो यूजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट सी इन ईच स्टेज ये फिगर दिया हुआ है अब क्या बोलता है द कम्पोनेंट बी एंड सी आर इमिसिबल सिक्सटी परसेंट ऑफ ए इन द फीड इज एक्सट्रैक्टेड इन स्टेज वन द इक्ब्रियम रिलेशनशिप इज गिवेन बाई वाई स्टार इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एक्स वेयर एक्स इज द मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ बी इन द रेफिनेट एंड वाई स्टार इज द मोल ऑफ ए पर मोल सी इन एक्सट्रैक्ट इन एक्लिब्रियम विथ रेफिनेट द मोल परसेंट ऑफ ए इन द रेफिनेट फ्रॉम स्टेज टू तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए जो क्वेश्चन में बोला है दो आइडियल क्रॉस करेंट स्टेजेस तो हम लोग दो आइडिया दो क्रॉस करेंट स्टेज बना लेते हैं स्टेज वन स्टेज टू अब इसमें बोला है कि इट इज डिसाइडेड टू एक्सट्रैक्ट ए फ्रॉम अ फीड कंटेनिंग ट्वेंटी मोल परसेंट ए एंड एट्टी मोल परसेंट बी तो जो हम लोग का फीड है वो फीड इज अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी और ए का जो मोल परसेंट है वो ट्वेंटी है और बी का मोल परसेंट है एट्टी है तो हम लोग यहाँ लिख दिए फीड जो है ये फीड फीड इज बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी वेयर द मोल परसेंट ऑफ़ मोल परसेंट ऑफ ए इज ट्वेंटी परसेंट तो हम लोग ए ट्वेंटी परसेंट मोल परसेंट है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा जीरो पॉइंट टू और बी एक्स बी जो है ये डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द फीड तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट एट ठीक है और इसके बाद इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है बोला है इन टू आइडियल क्रॉस करेंट स्टेजेस यूजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन ईच स्टेज तो जो हम लोग को सॉल्वेंट यहाँ क्वेश्चन में यूज किया गया है तो ये प्योर सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट है और इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यूज़ किया मतलब जो स्टेज वन में हम लोग सॉल्वेंट यूज किए और स्टेज टू में जो सॉल्वेंट किए हैं ये दोनों का अमाउंट जो है ये इक्वल अमाउंट है और इसमें मोल परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इज जीरो तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोग सॉल्वेंट यूज किए सॉल्वेंट यूज किए तो इसका अमाउंट हम लोग अज्यूम कर मान लिए कि ये सी सी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है नोटेशन नोटेशन जो क्वेश्चन में दिया सॉल्वेंट का ये है दिया है सी और इसमें जो मोल परसेंट ऑफ द सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट है इसीलिए मोल परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इज जीरो तो हम लोग वाई एस जो है ये जीरो होगा वाई एस क्या है वाई एस है मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ सी ठीक है वाइएस है मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ सी ये जीरो है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है और आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो सॉल्वेंट जो कैरियर रिच फेज है ये हुआ रेफिनेट रेफिनेट ये वन और ये जो सॉल्वेंट रिच फेज हुआ वो हुआ इसको डिनोट किया क्वेश्चन में वन टू से तो फिर अब ये हो गया अब क्या अब जो है यहाँ तक इंफॉर्मेशन हो गया तो अब यहां पे भी जो हम लोग स्टेज टू में भी सॉल्वेंट यूज किए ये भी जो सॉल्वेंट यूज किया उसका अमाउंट सी है और इसमें भी वाई एस जो है ये जीरो होगा क्योंकि प्योर प्योर सॉल्वेंट है ठीक है और यहां से भी जो हम लोग का जो सॉल्वेंट कैरियर रिच फेज निकला वो हो, हो गया रेफिनेट ये रेफिनेट टू और ये हो गया एक्सट्रैक्ट टू ठीक है अब क्या बोला है कि द कॉम्पोनेंट बी एंड सी आर इमिसिबल मतलब जो हम लोग जो फीड में जो कैरियर है मतलब फीड इज अ मिक्सचर ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी तो ए जो है हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है और ये हम लोग का सॉल्यूट है तो कैरियर जो है ये क्या हुआ हम लोग का बी बी इज द कैरियर और क्वेश्चन में दिया है कि द बी एंड सी आर इमिसिबल तो जो बी और सी है ये इमिसिबल है इमिसिबल है तो इसका मतलब हुआ कि द इंटायर अमाउंट ऑफ द कैरियर दैट इज प्रेजेंट इन द फीड विल बी प्रेजेंट इन द रेफिनेट स्ट्रीम रेफिनेट स्ट्रीम मतलब जितना जो फीड में फीड में जो कैरियर है सपोज फीड में ए के है तो यहाँ पर भी रेफिनेट स्ट्रीम वन में भी ए के जी रहेगा रेफिनेट स्ट्रीम टू में भी ए के जी रहेगा और जो प्योर सॉल्वेंट है सी ये ये जो सॉल्वेंट में सी के जी है दैट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम वन यानी जो यहाँ सी के जी है तो यहाँ पे भी सी के जी रहेगा यहाँ सी के जी है तो यहाँ पे भी सी के जी रहेगा ठीक है ये ये मतलब हुआ द कॉम्पोनेट ए बी एंड सी आर इमिसिबल और दूसरा क्या बोला है सिक्सटी परसेंट ऑफ ए इन द फीड इज एक्सट्रैक्टेड इन द सॉल्वेंट इन द स्टेज वन अब बोला है कि जो फीड में हम लोग का जो सॉल्यूट है उसका सिक्सटी परसेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है स्टेज वन में तो हम लोग का रेफिनेट में कितना बचेगा फोर्टी परसेंट ठीक है अब दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है इक्लिबरियम रिलेशनशिप दिया है कि जो मोल मोल रेशियो जो है मोल रेशियो ऑफ ए पर मोल ऑफ बी इन द रेफिनेट और मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ सी इन द एक्सट्रैक्ट इसका इन दोनों के बारे में इक्लिब्रियम रिलेशनशिप दिया है वाई स्टार इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एक्स तो एक्स हम लोग का क्या है ये एक्स डिनोट करता है मोल ऑफ ए मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ बी ठीक है एक्स डिनोट करता है मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ बी तो इसको हम लोग डिनोट कर दिए ये एक्स वन तो ये वाई वन क्या हो जाएगा मोल ऑफ ए पर मोल सी सिमिलरली ये एक्स टू क्या हो जाएगा मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ बी और ये वाई टू हो जाएगा मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ बी ठीक है ये दोनों एक्स वन वाई वन और इमिशिबल है इसीलिए तो जो जो हम लोग का फीड में ए है कैरियर है दैट विल बी प्रेजेंट इन द रेफिनेट स्ट्रीम ठीक है अब हम लोग इसमें और नोटेशन देखते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं ए आर वन ये हो गया ए ई वन ये हो गया ए आर टू ये हो गया ए ई टू तो इसको हम लोग ये ये डिनोट कर लिए इसको इसका मतलब आर वन जो है ए आर वन है ये हो गया मोल ऑफ ए मोल ऑफ ए मोल ए इन द इन द रेफिनेट फ्रॉम स्टेज वन ए आर टू हो गया मोल ऑफ ए इन द रेफिनेट फ्रॉम स्टेज टू ठीक है ए आर टू हो गया मोल ऑफ मोल ऑफ ए मतलब सोल्यूट मोल ऑफ सोल्यूट इन द फ्रॉम स्टेज वन मोल ऑफ ए इन द फ्रॉम स्टेज टू सिमिलरली ए वन हो गया मोल ऑफ ए इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज वन और ए टू हो गया हम लोग का मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज टू ये नोटेशन हो गया ठीक है अब अब जो है अब हम लोग को इसमें क्या बोला है इसमें हम लोग को निकालना क्या है निकालना जो है ये मोल परसेंट ऑफ ए इन द इन द रेफिनेट फ्रॉम स्टेज टू यहाँ पे हम लोग का जो निकालना है कि जो हम लोग का मोल परसेंट सॉल्यूट का सॉल्यूट का रेफिनेट स्टेज टू में कितना है मतलब रेफिनेट स्ट्रीम टू में जो ए का मोल परसेंट है वो कितना है ये हम लोग को निकालना है ठीक है तो अब क्या है इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें कहीं पे भी फीड का फ्लो रेट नहीं दिया है मतलब फीड का जो फ्लो रेट है वो नहीं दिया है तो इस इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जिसमें फीड का फ्लो रेट नहीं दिया लेकिन मोल परसेंट सब जगह दिया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं फीड का फ्लोरेट को अज्यूम कर लेंगे सिम्प्लिसिटी के लिए हम लोग फीड का फ्लोरेट थाउजेंड अज्यूम कर सकते हैं या वन हंड्रेड एज्यूम कर सकते हैं तो वन हंड्रेड वन थाउजेंड और वन हंड्रेड यूज़ करेंगे तो उसमें जो है हम लोग का आंसर जो है वो सेम आएगा इसलिए आंसर सेम आएगा कि अगर हम लोग ज़्यादा फीड को रखेंगे तो हम लोग का द फ्लो रेट ऑफ द रेफिनेट और एक्सट्रैक्ट वो इंक्रीज कर जाएगा लेकिन जो मोल परसेंट ऑफ़ द रेफ मोल पर, परसेंट ऑफ द सॉल्यूट है वो चेंज नहीं करेगा ठीक है इसमें आप लोग करके भी देख सकते हैं हम इसको अज्यूम करेंगे थाउजेंड मान करके आप लोग वन हंड्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो है हम लोग एफ मान के भी यूज कर सकते हैं और एफ़ मान के यूज़ करेंगे तो जब हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे तो अल्टीमेटली एफ कैंसिल हो जाएगा इसलिए जो है हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं लेकिन हम लोग का अगर मटेरियल बैलेंस सही से करेंगे तो हम लोग का जो मोल परसेंट आएगा वो सेम आएगा ठीक है तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए जो फीड का मोल है हम लोग वो अजीम करेंगे एफ़ जो हम हम लोग अजीम करेंगे ये हंड्रेड थाउजेंड मोल अज्यूम कर लिए ठीक है तो थाउजेंड मोल हम लोग का एफ़ हुआ तो इसमें ए ए कितना हुआ ए एफ ए एफ हुआ मोल ऑफ ए मोल ऑफ सोल्यूट इन द फील्ड यह हो गया हम लोग का एफ इन टू स्मॉल ए ये हो गया हम लोग का तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड मोल ठीक है और टू हंड्रेड मोल हुआ हम लोग का और तो हम लोग का बी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा एट हंड्रेड मोल ठीक है अब बी और सी जो है ये इमिसिबल है इमिसिबल सिस्टम है इसीलिए इंटायर अमाउंट ऑफ द कैरियर दैट इज प्रेजेंट इन द फील्ड विल बी प्रेजेंट इन द रेफिनेट मतलब जो हम लोग का रेफिनेट स्ट्रीम वन है इसमें भी बी हम लोग का एट हंड्रेड मोल होगा और इसमें भी जो हम लोग का रेफिनेट स्ट्रीम टू है इसमें भी जो बी होगा ये हम लोग का एट हंड्रेड मोल होगा ठीक है एट हंड्रेड मोल होगा और जो हम लोग का प्योर सोल्वेंट है वो अब वो जो हम लोग का प्योर सोलवेंट यूज करें उसका अमाउंट सेम अमाउंट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम वन ठीक है तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या निकला हम लोग का अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्सटी परसेंट ऑफ ए इन द फीड इज एक्सट्रैक्टेड इन द स्टेज वन सिक्सटी परसेंट ऑफ ए इन द फीड इज एक्सट्रैक्टेड इन स्टेज वन तो यहाँ पे जो हम लोग का फीड में जो ए है उसका सिक्सटी परसेंट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो ए वन क्या है द मास द मोल ऑफ ए मतलब ये हुआ ए जो है जो सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड हुआ एन फ्रॉम स्टेज वन क्योंकि ये 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 यही ना हुआ AE1 हुआ तो हुआ? हुआ, सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड तो क्या यानी आ गया हम लोग का सिक्सटी परसेंट एक्सट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया वन ट्वेंटी मोल ठीक है और ए आर वन क्या हुआ जब हम लोग का ट्वेंटी वन ट्वेंटी मोल एक्सट्रैक्ट हो गया तो डेफिनेट में कितना बचेगा टू हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी यानी एट्टी मोल ये हम लोग का बच गया तो x1 हम लोग का क्या है x1 है मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ बी यानी मोल ऑफ ए कितना हम लोग का ए आर वन बाई बी एर वन हम लोग का आ गया 80 और तो ब, अब b हम लोग का 800 तो यानी x1 हम लोग का आ गया 0.1 x1 आ गया 0.1 तो y1 हम लोग का क्या होगा हम लोग दूसरे पेज में देख लेते हैं x1 हम लोग का आ गया 0.1 और वाई, वाई हम लोग का दिया वाई तू एक्स, तो वाई वन बराबर होगा ठीक है तो वाई वन हम लोग कैलकुलेट करिए जीरो पॉइंट वन तो यहां से आ गया जीरो पॉइंट वन फाइव यानी वाई वन जो है वाई वन हम लोग का आ गया वाई वन आ गया हम लोग का जीरो पॉइंट वन फाइव ठीक है, है? ये हो गया मोल ऑफ ए पर मोल सी ठीक है अब अब क्या है ये y1 क्या डिनोट करता है y1 डिनोट करता है मोल ऑफ मोल ऑफ a पर मोल ऑफ c ठीक है तो मोल ऑफ a कितना है हम लोग का ae1 हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्टिव स्ट्रीम वन तो ये हो गया ae1 c c क्या है द अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी मोल ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो ये हो गया अब y y1 हम लोग का है 0.15 ae1 हम लोग निकाल चुके हैं 180 क्योंकि सिक्सटी परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड इन द स्टेज वन ये हो गया हम लोग का वन ट्वेंटी निकल गया था तो सी यहाँ से सी हम लोग यूज कर लिए वन ट्वेंटी यहाँ से निकल गया वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन फाइव तो ये हम लोग का कालकुलेट होके आ गया एट हंड्रेड मोल ठीक है तो यानी हम लोग का अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो यूज हुआ वो हो गया एट हंड्रेड मोल यानी सी जो हो गया ये हम लोग का हो गया एट हंड्रेड मोल तो यहाँ पे भी अब ए बी और सी इमिसिबल है तो यहाँ पे भी जो हम लोग का सी आएगा वो हो जाएगा एट हंड्रेड मूल तो यानी यहां पे हम लोग का जो सी आया ये हो गया एट हंड्रेड मूल अब स्टेज वन स्टेज टू में इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट सोलवेंट यूजर आया तो यानी यहां पे भी जो होगा हम लोग का सी होगा ये होगा एट हंड्रेड मूल और इमिसिबल सिस्टम है ए और बी और सी तो यानी एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम टू में भी जो हम लोग का सी होगा वो हो जाएगा एट हंड्रेड मूल ठीक है ये कंसेप्ट जो है ये इमिसिबल सिस्टम का कंसेप्ट है ठीक है अब हम लोग का जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उससे हम लोग कैलकुलेट कर लिए कैलकुलेट करके निकाल लिए कि ए आर वन कितना होगा ए ई वन कितना होगा अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो यूज हो रहा है वो निकल गया अब हम लोग को जो है अब हम लोग को फर्क आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे मटेरियल बैलेंस ओवर स्टेज टू करेंगे तो हम लोग करते हैं मटेरियल बैलेंस ओवर स्टेज टू ऑफ सॉल्यूट मटेरियल बैलेंस ऑफ ए ओवर स्टेज मटेरियल बैलेंस ऑफ ए ओवर स्टेज टू स्टेज टू करते हैं तो सॉल्यूट हम लोग का इंटर कितना कर रहा है इंटर कर रहा है ए आर वन ए आर वन इज ए आर वन हम लोग का इंटर कर रहा है क्योंकि यही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द डेफिनेट स्ट्रीम वन इंटर हम लोग का ए आर वन कर रहा है तो हम लोग लिख दिए इंटर हो रहा है एटी मोल प्लस जो सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं स्टेज टू में तो ये प्योर सॉल्वेंट है इसीलिए यहाँ इसमें सॉल्यूट जो है ये जीरो है ए जीरो है तो हम लोग यहाँ जीरो लिख, लिख लिए इक्वल टू जो सॉल्वेंट हम लोग का रेफिनेट स्ट्रीम टू से निकल रहा है तो ये कितना निकल रहा है ये हो जाएगा हम लोग का बी इंटू एक्स टू ये हो जाएगा बी इंटू एक्स टू बी हो गया मास मोल ऑफ द कैरियर इंटू एक्स टू हो गया मोल रेशियो प्लस सी इंटू वाई टू ठीक है सी हो गया मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू वाई टू हो गया मोल रे, रेशियो ऑफ सॉल्यूट ठीक है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एटी इक्वल टू बी हम लोग का है एट हंड्रेड एक्स टू और सी भी हम लोग का निकल चुका है एट हंड्रेड और वाई टू बराबर एम वाई टू बराबर हम लोग इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप है वाई इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एक्स तो ये लिख सकते हैं वाई टू इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एक्स टू तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग वन पॉइंट फाइव एक्स टू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स टू आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर तो ये क्या हुआ एक्स टू जो है ये हो गया एक्स टू हम लोग का क्या है मोल रेशियो है मोल ऑफ ए पर मोल ऑफ पर मोल ऑफ बी ये हम लोग का निकल गया लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या मांगा है क्वेश्चन में मांगा मोल परसेंट ऑफ ए इन द रेफिनेट फ्रॉम स्टेज टू ये मांगा है तो हम लोग जो इसका थ्योरी पोर्शन था जब हम लोग मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिसिबल सिस्टम को का थ्योरी पोर्शन पढ़े थे तो उसमें हम लोग उसको कन्वर्सन देखे थे कि मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन से मोल रेशियो में कैसे जाएंगे और मोल रेशियो से मास मोल मोल रेशियो से मोल फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे ठीक है तो इसका जो है अगर हम लोग डिनोट करते हैं इस्मोल एक्स टू स्मॉल एक्स टू क्या है माल स्मॉल एक्स टू है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन आर टू ठीक है आर टू है डेफिनेटी स्ट्रीम टू ये क्या हो जाएगा हम लोग का कैपिटल एक्स टू डिड बाई वन प्लस कैपिटल एक्स टू यानी स्मॉल एक्स टू इक्वल टू कैपिटल एक्स टू बाई वन प्लस कैपिटल एक्स टू ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर इसको जीरो पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट फोर अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन में क्या मांगा है मोल परसेंट में तो इंटू इंटू हंड्रेड कर देंगे यानी एट पॉइंट थ्री फोर मोल परसेंट ठीक है आंसर जो है ये हम लोग का द ये हो गया एट पॉइंट थ्री फोर एट पॉइंट थ्री फोर क्या है द मोल परसेंट ऑफ ए इन द रेफिनेट फ्रॉम स्टेज टू ये हम लोग का आ गया एट पॉइंट थ्री फोर तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन जब हम लोग जब जब फीड जो था फीड में कितना मोल परसेंट था ट्वेंटी मोल परसेंट था इसमें जब हम लोग सॉल मतलब सॉल्वेंट यूज़ किए तो सॉल्वेंट क्या किया रिड्यूस कर दिया ट्वेंटी मोल परसेंट जो फीड में था फीड में जो हम लोग का ट्वेंटी मोल परसेंट था उसको रिड्यूस कर दिया थ्री पॉइंट एट फोर मोल परसेंट में रिड्यूस कर दिया जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो ट्वेंटी मोल परसेंट से थ्री पॉइंट एट फोर मोल परसेंट में ऑफ ए को रिड्यूस कर दिया यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन का ये इसका सॉल्यूशन था इसको ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन इसका बन चुका है तो आप लोग से ये है कि इस टाइप का जितना गेट में प्रॉब्लम आया था मल्टी स्टेस्ट्रक्शन ऑफ इमिसिबल सिस्टम इसका चार क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है वो चारों का सॉल्यूशन जो है हम लोग बना लिए हैं और उसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथ ही उसका थ्योरी पोर्शन भी कवर किया हुआ है तो इसलिए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन का सारे लेक्चर देख लीजिए अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर इस टाइप का प्रॉब्लम में अगर और भी कोई प्रॉब्लम है या दूसरे बुक से भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन दे सकते हैं हम उसको बना करके उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे ठीक है थैंक यू